इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां अतीक के गुर्गे असाद कालिया का आतंक ऐसा है कि असाद कालिया के आतंक की वजह से साबिर हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया है। अलकमा सुरजीत डबल मर्डर केस में पैरोकार हैं साबिर हुसैन, जिन्होंने अब डर की वजह से अपना घर छोड़ दिया है। डबल मर्डर केस में आरोपी हैं अतीक और अशरफ। असाद कालिया ने पीड़ित के घर जाकर धमकी दी। धमकी की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। 2019 का ये वीडियो बताया जा रहा है। पीड़ित साबिर को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। डबल मर्डर केस में आरोपी हैं अतीक और अशरफ। असाद कालिया ने पीड़ित के घर जाकर के उसे धमकी दी, जिसके बाद मजबूरन अपना घर छोड़ने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। साबिर हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया है असाद कालिद के डर की वजह से। अलकमा सुरजीत डबल मर्डर केस के मामले में उन्हें डराया गया, धमकाया गया, वो पैरोकार थे, उन्हें घर जाकर के धमकाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो जाती है। तो अतीक से जुड़े हुए तमाम अब मामले सामने आते जा रहे हैं। असाद कालिया ने पीड़ित के घर जाकर के उन्हें धमकी दी, और इस धमकी की वजह से, डर की वजह से साबिर हुसैन को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और आपको बता दें कि साबिर हुसैन ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, भारत एक्सप्रेस संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। अतीक और उनके गुर्गों का आतंक किस कदर है कि एक शख्स जो कि पीड़ित है, पिछले 4 सालों से अपने बनाए खुद के घर पे नहीं रह पा रहा है, बल्कि एक गुप्त ठिकाने पर छुप छुप के रहना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिर हुसैन। साबिर हुसैन जी, आपको धमकियां मिली, सीसीटीवी भी आया है, क्या था पूरा मामला बताएं। देखिए, हम जो है, हमको अक्सर धमकियां इसलिए देते थे, अतीक अहमद की सारे पे सारी धमकियां मिलती थी, और हम एक मुकदमे में पैरवी कर रहे थे जिसमें हमारे दोनों भाइयों को जो है नाजायज फंसाया गया था। तो उसमें पुलिस जो है विवेचना के बाद क्लीन चिट भी मिली थी कि ये आरोपी ने, वो उसमें अतीक अहमद और अशरफ भी आरोपी हैं थे, जिसमें उस मुकदमे में ट्रायल जब चला, जब ट्रायल का टाइम आया तो 19 में ही मुझे धमकी देना शुरू हो गया। धमकी देते देते मुझको यहाँ तक आ गया कि जान से मारने की धमकी, जान से मार देंगे, बहुत तरीके से मेरे साथ बदतमीजी की गई। और परिवार और तमाम लोग किस तरह से, कहाँ आप लोग छुप रहे हैं हम कहें, और दूसरी बात यह है कि अब तो आजीवन कारावास की सजा का भी ऐलान हो गया, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी शहर में काफ़ी एक्टिव हैं। देखिए, परिवार हमारा क्या, वो मेरे बड़े भाई का घर था, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो अपना साधारण तरीके से रहते हैं। मेरे जाने से वहाँ पर उनके घर पर ये अटैक हुआ कि हम वहाँ पर होंगे, वहाँ से हम निकल के जब अपने घर पे आते हैं तो ये उनके घर से घूम के मेरे घर पे आके अटैक करते हैं। ये अतीक अहमद के कहने पे सारी चीज़ें होती है। साफ तौर पर जितने भी पीड़ित हैं अतीक के गैंग से या अतीक अहमद अशरफ से, जाहिर तौर पर आरोपी थे, इसी वजह से इन पर दबाव बनाया गया, चूँकि केस की पैरवी कर रहे थे, और अभी देखिए 4 सालों से ये अपने घर से अलग किसी दूसरे ठिकाने पर रहने के लिए मजबूर हैं। तो इस तरह से अतीक अहमद का आतंक, भले ही वो जेल में हो, लेकिन उससे जितने भी तमाम पीड़ित लोग हैं वो भी आज डर डर के रह रहे हैं, सहमे रह रहे हैं। हालांकि साबिर हुसैन का साफ तौर पर कहना है कि अतीक अहमद और उनके गुर्गों के खिलाफ वो लड़ाई अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।